ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, कंसेप्ट दिमाग में आ नहीं रहे तो नहीं ककड़ निकाल दे कोई गाना। हाँ जी, तो आगे आ जाओ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स, जो अपन रास्ते में जाते हैं ये सड़क पे देखते नहीं अपन पोस्टर्स, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की होती है या होर्डिंग्स लगवाए होते हैं, तो जो फनी फनी इंडिया में अवेलेबल हैं हम उन पे बात करेंगे, उन पे थोड़ी नजर डालेंगे और उस चीज पे चर्चा करेंगे। नहीं मतलब ना कोई टिकटॉक कर कोई हरकत कर रहा है, ना फेम है उसका दूसरा सीजन आ रहा है, ना टोनी कक्कड़ कोई गाना निकाल रहा है, किस पे वीडियो बनाया हम, किस पे हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो यार ये स्टार्ट ऐसा हुआ, मैं कल गया था किसी काम से तो रास्ते में मैंने देखा एक बोर्ड जिसके ऊपर लिखा था सेक्स रोगी मुझसे आके मिले, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को वहां पे लेके चला गया। मैंने कहा सर इसको चेक करो, तो जैसे ही हम उस डॉक्टर के क्लिनिक में गए तो उस क्लिनिक में एक पोस्टर लगा हुआ था जहां पे लिखा हुआ था सारी उम्र हाथ में लेके रहा तू पड़ा, सारी उम्र हाथ में लेके तू पड़ा, अब पछताए क्या हो जब होता नहीं खड़ा। और मेरे को वो पढ़ के इतनी हंसी आई। फिर मेरे दिमाग की बत्ती चली, नहीं यार ये जो ऐसे पोस्टर्स जो एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स होते हैं ना इन पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आज हम उसी वीडियो को लेके हाजिर हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जिस बेस्ट फ्रेंड को मैं लेके गया उस साले का सच्ची रोग निकला, खा अब बाबे का चूरन। तो भाइयों सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करना, मैंने आईफोन 12 प्रो नया लिया है, अभी कल परसों ही मैंने नया लिया है, तो कृपया करके मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलना। ये जो स्माइल दिख रही है ना ये उसी की वजह से, लेकिन ये ऊपर से है, जब से मेरे बाप को पता लगा ना कि ये फोन 1.25 लाख रुपए का है तब से वो ऐसी नजरों से देख रहा है क्यों ही करवाई शादी। मेरे घर वाले वीडियो देखते मेरी। हाँ जी, तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और सबसे पहला पोस्टर देखते हैं, पे एंड यूज टॉयलेट एंड कम बाथ। मतलब वहीं पे हगो, वहीं पे धोलो, वहीं पे नालो, वहीं पे हिला लो। नहीं मेरे को जरा बताओ ऐसी रेलवे की सुविधा आपको इंडिया के अलावा कहीं बाहर मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं वैसे जरा सोचो यार, तुम स्टेशन हो ठीक है, तुम्हारी ट्रेन अभी लेट है और तुमको आ गई टट्टी या तुम्हारा बन गया मूड, तुम वहां पे जो बाहर बैठे होते हैं बाथरूम के बाहर वो बोलते हैं हाँ जी आपने मूतने के हगना है, मूतने के 2 रुपए, हगने के 5 रुपए। अगर वो आगे हाँ जी सर आपने हिलाना तो नहीं, हाँ जी सर, हाँ जी, तो 2000 रुपए के बाद 8 रुपए एक्स्ट्रा। तो चलो यार बढ़ो आगे आगे, मतलब अगले पोस्टर में बढ़ते हैं। ऑल मोबाइल रिपेयरिंग सोनी इरेक्शन। रियल में अगर असल में ऐसी कोई कंपनी होती ना सोनी इरेक्शन नाम की, तो सही में बता रहा हूँ सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके देता, चाहे पैसे मैं भरता लेकिन सोनी इरेक्शन फोन उसको ही लेके देता। और ऊपर से तुम्हारा फोन हो जाए खराब और उसको रिपेयर करवाने जाओ तो रिपेयर वाले बंदे को बोलो भाई साहब मेरे सोनी इरेक्शन ठीक कर दो। शुक्र है अब नहीं जाके बोलना, उसने कहना हाँ सोनी को लेके आथू टट्टी। वाह भोसड़ी के, मतलब कुछ भी है ना, इतनी भी शॉर्ट फॉर्म्स अच्छी नहीं लगती, इतनी भी एब्रीवेशंस अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को एब्रीवेशंस नहीं पता होगा, मैंने भी नया नया सीखा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे इसने टट्टी का बनाया, अगर सुसु का हो तो सोचो जरा, सर्वोच्चम अम्ब्रेला सेल्स यूनिट। यार दिमाग तो बहुत है मेरे में यार, मैं ऐसी एब्रीवेशंस क्यों नहीं बनाता, मैं भी ऐसे पोस्टर लगा सकता हूँ, वेरी नाइस आइडिया। नहीं इस चीज से हटके थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कि आपको पता मैं टिकटॉक पे एक तरह की वीडियोस ही बनाता था, या तो रोस्ट होती थी या मैं बोलता था मैं सिंगल हूं मेरे साथ कोई फंसती नहीं ये वो ऐसे करके सब, तो मैंने किया टिंडर डाउनलोड। अब कोई लड़की बुलाती नहीं, सारी भैया कह के बुलाती है, तो मैंने किया टिंडर डाउनलोड और टिंडर पे मैंने स्वाइप करने स्टार्ट की, सारी लड़कियां सुंदर सुंदर लड़की, तो बीच में से एक लड़की मेरे को ऐसी मिली जिसकी बायो देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। आई एम अ विंडो वुमन एंड आई हैव ग्रेट वन सन, यू डोंट लाइक मी गेट स्वाइप मी। कौन सी औरत, कौन खिड़की औरत है, रोशनदान औरत, ये कौन सी औरत होती है, मैं सही में बताऊं। अच्छा ये नहीं है कि ये सिर्फ टिंडर पे ये इकलौती लड़की ने ऐसे लिखा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये कमेंट सेक्शन नीचे तुम जब भी कमेंट करोगे ना, तुम मेरे लिए अगर पॉजिटिव कमेंट करते हो ना तो नेगेटिव भी देखा करो, इतनी वाहियात इंग्लिश लिखी होती है, मतलब इनको घंटे की समझ नहीं होती, निपे निपे नन्ने मुन्ने डॉगम आथू, और ये ऐसी इंग्लिश लिखते हो। उसको बाद मैं मेरा ना एक मन करता है यार यार ये जितनी हेट आ रही है ना मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मेरे को अजीब सा लग रहा है ऐसे करके, बाद में होता है यार इसकी इंग्लिश तो देख छोड़ रहने दे दफा कर, गो स्लो एक्सीडेंट पॉन एरिया। नहीं मेरे को ये समझ नहीं आया कि क्या मतलब बना, इनका मतलब यही है कि भाई साहब अपनी जो गाड़ी है ना वो एक पहले गियर पे या दूसरे गियर पे या मैक्सिमम तीसरे गियर पर चलाओ, उससे ज्यादा तेज मत चलाओ क्योंकि तेज जाओगे आगे मियां खलीफा लेटी पड़ी है वो तो इंतजार ही कर रही है कब कोई बहुत तेज गाड़ी आए और बीच में बजे, साले एक्सीडेंट पॉन एरिया। फटे मुक्त इंग्लिश दे पार्क में का समय सुबह इतने से इतने बजे, शाम इतने से इतने बजे। मेरे हिसाब से ये फनी नहीं है, ये बहुत अच्छा है उन कपल्स के लिए जो ओयो नहीं प्रेफर करते, या उनके लिए जिनका थोड़ा बहुत ही होता है कभी कभी।
जैसे मैं। हाँ तो ठीक लिखा है ना उन्होंने कि भाई यही टाइम है तुम्हारा चुगने का, इसके बाद मत अपना रंडी रोना शुरू करना, यहाँ तक ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा मेरे को इनिशिएटिव लगा, मोदी जी करो इदा का कुछ। एनएस इंग्लिश अकेडमी नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना अनु शर्मा अब प्रतापपुर में भी। मतलब सोचो चलो ये तो इंग्लिश में लिखा है फिर थोड़ा ठीक लगता है, मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लिखता है, जिनको नहीं थोड़ी इंग्लिश समझ आती उनको लगेगा ठीक है चल यही होएगा भी एनएस इंग्लिश ही होएगा। नहीं तुम जरा सोचो जो बंदा सिर्फ हिंदी बोलता है हिंदी लिखता है वो हिंदी ही बोर्ड बनवाता है और उसमें लिखता है बुंड इंग्लिश अकेडमी नो प्रॉब्लम मैं हूं ना अनु शर्मा। ओ भाई चलो छोड़ो इंडियन इंस्टीट्यूट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी शिटेड टू नंबर 145 फर्स्ट फ्लोर चिक बाजार रोड। वाह मतलब पता नहीं कौन सी सस्ती लिटरेचर इन्होंने सस्ती ऑक्सफोर्ड पढ़ी होती है जो इनको घंटा नहीं समय लगती। अबे उड़ते हुए सतरंगी नुनू नीचे आजा जमीन पे और ढंग से इंग्लिश पहले पढ़ो उसके बाद जाके लिखो एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो यार इसके बाद ना मैं मतलब पोस्टर्स पे इतना मैंने कोई ध्यान दिया नहीं ज्यादा, मेरे को रास्ते में भी बहुत से मिले, पर इसके बाद मैंने ध्यान दिया इंस्टाग्राम बायोस पर। इंस्टाग्राम बायोस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मेरे को लगा नहीं यार जब बात ही इंग्लिश की हो रही है जब बात ही फनी चीजों की हो रही है तो फिर इनकी बायोस भी लेके आते हैं। और इनकी बायोस दिखाने पहले एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैं लास्ट ईयर गया था दुबई, वहां पर ना हमने डिनर वगैरह किया तो वहां पे ना एक पुल था और पुल के नीचे लिखा था लॉन्ग लिव दुबई एंड ऑल ऐसे करके लिखा था। मैंने वहां पे अपने फ्रेंड को बोला मैं कहा अगर यही इंडिया में होता ना तो यहाँ लिखा होना था बाबा बंगाली का चूरन तीन दिन में करे खड़ा मिलिए बस अड्डे के पास। हां जी तो बढ़ते आगे और बात करते हैं इंस्टाग्राम बायोस के बारे में। सिंगल दिल्ली आई एम हु आई एम एंड दैट इज जस्ट इनफ। Yeah, that's enough, bro. That's enough. Go to hell. बेंच देखता हूँ कर्सिव में लिखा है इसने I am YouTuber. My name is पता नहीं क्या है. I am a gamer. Official account which is handled by me, his sister, my YouTube link. नहीं मतलब official account है भाई इसका. मजाक नहीं उड़ाना किसी ने हंसना नहीं है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल अकाउंट है अगले का अगला कच्चा पहन के वीडियो देख रहा है सिर्फ दो पोस्ट है ऊपर से इतनी वाहियात इंग्लिश है कहाँ से आते हैं ऐसे लोग साले चाय में केला डाल के खाने वाले बच्चे साले कॉर्नफ्लेक्स की उम्र गई नहीं और बातें देखो मामाज बॉय म्यूजिक लवर प्रोफेशनल हेयर स्टाइलर ब्लैक लवर बार्बर इज नॉट वारक बार्बर इज पैशन। वाह बार्बर इज नॉट वारक बार्बर इज नॉट वारक बार्बर इज पैशन। कल को डेंटिंग पेंटिंग वाला उठेगा वो बोलेगा डेंटिंग पेंटिंग इज प्लेटिना। कल को इंग्लिश टीचर उठेगी वो बोलेगी इंग्लिश टीचिंग इज क्रिज्मा। कोई यूट्यूबर उठ के बोल देगा यूट्यूब इज नॉट वारक यूट्यूब इज ऑल्टोकेटन। कुछ भी लिखते वारक। हाँ तो ठीक है ना सबकी अगर कर रहे हैं तो मेरी भी ऐसी है बायो तो मैंने भी अपनी दिखा दी क्या दिक्कत है बहुत वाहियात है बदलता हूँ मैं आज ही बदलता हूँ। देखो भाई ऐसा है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो है ही ऐसा ठीक है उसको तो प्रॉब्लम है तो मैं तो उसको टैग करूंगा या नहीं करूंगा तो इंस्टाग्राम पर करूंगा नहीं तो उसको बबली मैसेज भेजूंगा। लेकिन तुम्हें जिनका लगता है ना इरेक्शन प्रॉब्लम है तो कृपया करके ये वीडियो उस बंदे को शेयर जरूर करना जिसको ऐसी प्रॉब्लम है। हाँ लाला ने कहा मजनू के कान में कुलचे खाना सोनू की दुकान में। मतलब मैं बता रहा हूँ जावेद अख्तर फेल गुलजार फेल आजकल तो जानी और बी प्राक चल रहे हैं ये भी फेल। जो बंदा सिर्फ पास है ना पूरे इंडिया में वो बंदा ये है। इतनी अच्छी शायरी मतलब दिमाग देखो उस बंदे का वो आसपास आज की बात तो करता ही नहीं है लैला मजनू पे पहुंच गया। मतलब जरा तुम सोचो उस सिचुएशन में जाके वो कान में बोले चल बाजड़ी के जी। तो मेरे को लगता है शायद आज आपको मजा आया वीडियो देख के। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना कमेंट करके बताना कैसी लगी और शेयर जरूर करना वीडियो। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।